यूपी में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सरकार देगी 50-50 हजार की मदद। पंचायत ड्यूटी के दौरान मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 30-30 लाख। कुल 22,898 लोगों की तैयार की गई लिस्ट। सीएम योगी ने कहा, योजनाओं का फायदा सबको मिलेगा, लेकिन गरीबों की संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। संपत्ति को कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, 2017 के पहले यूपी में कोई त्योहार शांति के साथ नहीं मनाए जाते थे। त्योहार आते ही कर्फ्यू लग जाता था, पर्व और त्योहार आता था और फिर कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, पेशेवर दंगाई आकर के पर्व और त्योहारों में खलल डालने का कार्य करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा, 7 साल पहले गंगा की स्थिति बहुत खराब थी, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता किसी से छिपी नहीं है। लेकिन 7 वर्ष से पहले क्या स्थिति थी? गंगा जी में जलीय जीव पूरी तरह नष्ट हो गए थे। प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर या माघ मेले के अवसर पर कोई कार्यक्रम होने में बड़ी कठिनाई होती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज 2019 में हम लोगों ने प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन किया और भव्य आयोजन के साथ आज गंगा की अविरलता और निर्मलता नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देखते हुए बनती है। सीएम ने बताया, जिले का 100 बेड का अस्पताल पिछली सरकारों की बेईमानी का उदाहरण है। पहले पैसा निकलता था, पैसा खर्च भी हो जाता था, लेकिन काम पूरा नहीं होता था। सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार का जीवन में स्मारक है। ऐसे ही पैसा निकलता था, पैसा खर्च भी हो जाता था, लेकिन कार्य पूरा नहीं होता था। सरकार आज उस पर कार्रवाई कर रही है, जवाबदेही तय कर रही है, लेकिन सरकार ने तय किया है। भदोही में सीएम योगी ने 373 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी बांटे। बांदा से भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, बांदा का नाम बदलने की मांग की। जिले का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखने का अनुरोध। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया गौला पुल का निरीक्षण। गौला पुल पर चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को पुल किनारे निर्माण कार्यों को 15 दिन में पूरा करने के दिए निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत की फोन पर हुई वन मंत्री हरक सिंह रावत से बातचीत। चुकुम और सुंदर खाल के आपदा प्रभावित इलाके के हालात को लेकर हुई बातचीत, सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। नमस्कार, मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। रामनगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र का पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया दौरा। चुकुम और सुंदरखाल इलाके में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, मौजूदा हालात का लिया जायजा। सोमवार से 5 दिनों के लिए बंद रहेंगी उत्तराखंड आने वाली ट्रेनें। रेलवे ट्रैक पर किया जा रहा है इंटरलॉकिंग का काम, त्योहार सीजन में बड़ी यात्रियों की मुश्किलें। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने वैक्सीनेशन अभियान पर बात की और देशवासियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बधाई दी। कहा, देश नए उत्साह और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, लाखों हेल्थ वर्कर्स के परिश्रम की वजह से भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार कर सका है। पीएम ने कोरोना वॉरियर्स का आभार जताते हुए कहा, आपने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान को इतनी ऊंचाई दी। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से भी बात की। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। पीएम ने लौह पुरुष को नमन करते हुए बताया अगले रविवार सरदार पटेल की जयंती है, साथ ही कहा अगर हम में एकता नहीं हुई तो हम खुद को नई नई विपदाओं में फंसा देंगे। एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़ें। मन की बात के 82वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले अगले साल भारत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाएगा। भगवान बिरसा मुंडा ने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। पीएम मोदी ने आने वाले त्योहारों की बधाइयां लोगों को दी और याद दिलाया कि इस दौरान वोकल फॉर लोकल का ख्याल रखना है, यानी स्वदेशी चीजों की ही खरीदारी करनी है। खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल, आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भारत ने हमेशा विश्व शांति के लिए काम किया है। एक धरती को एक बेहतर और सुरक्षित प्लैनेट बनाने में भारत का योगदान विश्व भर के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पीएम बोले भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है, इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने स्वच्छता पर बात करते हुए कहा स्वच्छता के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे। अब संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्साह को कम नहीं होने देंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। T20 वर्ल्ड कप में छठी बार आमने सामने होंगी दोनों टीमें। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया पूरी तरह तैयार। पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की अगुवाई में खेलेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में टोटल 5 मुकाबले हुए हैं, सभी में भारत ने जीत दर्ज की है। मुरादाबाद में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के परिवार वाले आज के मैच को लेकर काफी उत्साहित। पूरा परिवार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मांग रहा दुआ। मुरादाबाद में गेंदबाज मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन ने एबीपी गंगा से कहा आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद, इसमें भारत की जीत निश्चित है। गाजियाबाद में भी क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर जश्न। फैंस ने मंदिरों में की पूजा, भारत की जीत के लिए मांगी दुआ। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर शहर शहर दुआओं का दौर जारी। चंदौली में भी क्रिकेट प्रेमियों ने भगवान से भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। सालों बाद होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर युवाओं में खासा उत्साह। भारत की जीत के लिए गोरखपुर के कालीबाड़ी मंदिर में यज्ञ किया गया। काशी के संगीतकार क्रिकेट प्रेमियों के लिए गंगा घाट पर गा रहे गीत। इंडिया इंडिया के लगाए जा रहे नारे, खिलाड़ियों का बढ़ाया जा रहा है उत्साह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सिमथान दर्रे पर बर्फबारी में फंसे 2 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित रेस्क्यू कर बचाया गया। सीतापुर में बाढ़ के पानी से उफनाई नदियां, बांध टूटने से शारदा का पानी अब किवानी और चौका नदियों में मचा रहा है तबाही। ग्रामीण कर रहे हैं पलायन, सुरक्षित स्थानों की ओर जरूरी सामान और अपने मवेशी लेकर ग्रामीण रहने को मजबूर। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, खराब खड़ी ट्रेवलर गाड़ी में पीछे से होंडा कार ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 विदेशी लोग गंभीर रूप से घायल, कार के उड़े पर खच्चे। झांसी पुलिस ने हत्या के बाद लूट और चोरी की 2 थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं का खुलासा किया। बदमाशों से आभूषण, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए। 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
आगरा में सटोरियों के पकड़ने पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरा, जमकर किया हंगामा। हंगामा देख पुलिस ने सटोरियों को छोड़ा। थाना इत्माउद्दौला के शाहदरा क्षेत्र का मामला। बरेली में अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। पहला हादसा सिरौली थाना क्षेत्र में हुआ, जहां एक की बाइक पर आ रहे 3 लोग बुग्गी में जा घुसे, जिससे तीनों की मौत हो गई। वहीं बहेड़ी के एक छात्र की भी इससे दर्दनाक हादसे में मौत। वहीं भुत्ता थाना क्षेत्र में एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत। सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक मजदूर की अज्ञात वाहन से कुचलकर मौत। झांसी में अश्लील मैसेज करने पर ब्यूटी पार्लर संचालिका ने रोड रोमियो की पिटाई कर दी। सिरफिरा व्हाट्सएप पर भद्दे मैसेज करता था, फिर मजनू ब्यूटी पार्लर जा पहुंचा, जहां पर उसकी जमकर पिटाई की गई। रायबरेली के कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी अलूमिया के बेटे आदिल समेत लखनऊ में जमीन कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार। अलूमिया के साथ मोहम्मद आदिल रशीद भी गिरफ्तार। रंगदारी और फर्जी पेपर के आधार पर जमीनों पर करते थे कब्जा। हापुड़ में एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और टाटा मैजिक बरामद। जालौन में हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। अवैध संबंध बनाने का विरोध करने पर जेठ ने महिला के सिर पर लाठी से वार कर की हत्या। सबूत मिटाने के लिए केमिकल डालकर शव को जलाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर के केरुगंज इलाके में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। मृतक के सीने में गोली मारकर बदमाश हुए फरार। कुछ लोगों से व्यापारी का हुआ था विवाद। एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, छाए बादल, मौसम में आई ठंडक। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बीमार वृद्धों को कंधों पर लादकर अस्पताल ले जाने को मजबूर। गांव के लोग 2 किलोमीटर पैदल चलकर वृद्ध महिला को स्ट्रेचर पर रखकर नजदीकी मोटर तक ले जाने को मजबूर। रुड़की में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे रुड़की। उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन तलाश रही बसपा। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने किया हेली सेवाओं का जवाब तलब। नदी तल से 600 मीटर ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हेलीकॉप्टर। भीमबली में स्थापित मॉनिटरिंग स्टेशन से रिकॉर्ड हो रही ऊंचाई। भारतीय वन जीवन संस्थान और एनजीटी को भेजी जाएगी रिपोर्ट।